अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से होगे, खैरियत से होगे। अल्लाह ताला आप सबको रमज़ान की रहमतों से, खुशियों से आपके घर को रौनक करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो बस आज कुछ मैंने खास बनाया नहीं है, क्योंकि ये जो शामी कबाब मैंने बना के रखे थे ये हम लोग फ्राई करेंगे, ये चिकन रोल है और ये चिकन समोसे, ये साबूदाने के वड़े और ये चिकन क्रिस्पी और ये दाल के भजिए और वहाँ पे मेंदू वड़े बनेंगे। असद को कल बहुत पसंद आए थे, तो बस वही अभी बनाने का है। और वो चटनी रखी है, ये बटाटे के थोड़े भजिए बन रहे हैं। एक्चुअली हम लोग तो जो कुछ बनाते हैं, तो हमारे फ्लोर पे 3 घर हैं, 2 हमारे और 2 किसी और के, मतलब अलग अलग रहते हैं। तो हम उनको देते, वो हमको देते, तो बस रमज़ान भर यही चलता रहता है। तो बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत खुशी होती है कि उनसे घर, उनके घर से कुछ आता है, हमारे घर से कुछ जाता है। रमज़ान में तो सब जगह यही चलता रहता है। तो बस यही है कि आज हम लोग यही बनाने जा रहे हैं, फिर इसके बाद रोज़ा खुलने के बाद हम थोड़ा मार्केट जाएंगे। कल हम मार्केट गए थे बट वहाँ की वीडियो नहीं डाली क्योंकि गर्दी बहुत थी। तो मैं आपको मार्केट की भी वीडियो बताऊँगी। तो फिर चलते हैं, हम लोग ये सब फ्राई कर लेते हैं। तो चलो आप लोग भी लग जाओ अपने अपने कामों पे और मैं भी कर लेती हूँ अपने काम। तो आप लोगों के रोज़े तो खुल चुके होंगे सबके, मैंने भी खोल लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा दिन था, थोड़ा सा हस्बैंड को मिस किया क्योंकि हस्बैंड तो नहीं है, चले गए, काम चालू हो जाएगा तो इसके लिए। और आज दिल भी नहीं था कुछ, आप लोगों ने देखा ना जो रखा था मैंने वही फ्राई करके बच्चों को खिला दी। तो थोड़ा कुछ, कल मैं गई थी ड्रेस लेने के लिए, मैं जो ये पहनती हूँ घर में, तो ये मुझे अच्छा मतलब मिल रहा था तो मैंने ले लिया। तो मैंने सोचा और थोड़ा ले लूँ, तो फिर हस्बैंड को बोले तो उन्होंने कहा कि हाँ जाके ले लो। फिर वहाँ गई तो बहन का फ़ोन आ गया, एक्चुअली उनको एक ड्रेस बहुत पसंद आया था पिछले साल अनम का, तो वो बोले थे कि मुझे भी वैसे सिलाना है ऐसा वैसा। तो मैंने कल देखी तो मुझे पसंद आया, बट मैं सोची कि वो लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं अभी नहीं लूँगी, पैसे नहीं है घर के। उसकी ना मेरी बहन की हमेशा आदत रहती है, मैं ना वीडियो बनाऊँगी उसके साथ में हम लोगों की दोनों की, ईद के बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हम लोग कैसे नोकझोंक करते हैं। तो बट फौरन वो ऐसे बोल देती है कि पैसे नहीं है, क्योंकि उसको पता है ना कि मैं, मुझे बोलेगी तो मैं कैसे भी करके उसको दे दूँगी। बस ऐसे बड़े हैं, बड़ी है वो मेरे से, मेरी बहन है, बड़ी बहन, तो उसको कुछ बोलो तो बस ऐसे बोलेगी कि हाँ मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लूँ, ऐसे बोलती है वो। तो एक उसमें भी मज़ा आती है, बट वो पूरे रोज़े रख रहे हैं, अल्लाह उनके रोज़े कबूल करे, नमाज़ कबूल करे उनकी। तो ये मैंने उनके लिए ड्रेस ली हूँ, रोज़ा रखने का गिफ्ट, ये रोज़ा रखने का उनको गिफ्ट है, वो पिछले साल भी मैंने दिया था उनको। तो ये मैंने अपनी तरफ से उनके लिए ली हूँ क्योंकि ये कलर उनको बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत सूट करेगा और उनको शायद पसंद भी आया था मेरी बहन को। तो ये मैंने उसके लिए ड्रेस लिया है, आप लोग बताना कमेंट में कैसा लगा। तो ये ऊपर की कमीज है, ये ऊपर की कमीज है और ये है उसके 2 पैचे का घरारा। उनको इसको, मेरी बहन को ना ये ऐसा पहनने का बहुत शौक है, तो ये उनको आ जाएगा। तो ये घरारा है और दुपट्टा, तो और ये उसका अस्तर है और दुपट्टा, तो माशाल्लाह इतना प्यारा दुपट्टा है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बस मुझे दुपट्टे, ड्रेस के दुपट्टे मुझे बहुत पसंद आते हैं, पता नहीं कि मुझे ना ड्रेस इतना अच्छा नहीं लगेगा बट दुपट्टा अच्छे होने चाहिए, भले ड्रेस कैसे भी प्लेन रहो चलेगा मगर दुपट्टा मुझे अच्छा लगना चाहिए। देखो ना इसका बॉर्डर भी कितना प्यारा बॉर्डर है, चारों तरफ पाइपिंग की हुई है, बहुत ही प्यारा ड्रेस है। हाई होप के उनको, मेरी बहन को पसंद आ जाए, पसंद तो आया था। अनम ने कल मैं फ़ोटो भेजी थी तो मेरा दिल नहीं माना, मैंने कहा कि नहीं मैं ले लेती हूँ, बहन है मेरी, बड़ी है ना, तो बड़ी बहन बोलते हैं माँ की जगह पे होती है। ये उसका अस्तर है, मतलब कमीज़ में डालने का। और ये बट मुझे कितने में पड़ा है आपको पता है, ये मुझे 850 में पड़ा। ये देख लिया आप घेर, ये घेर देख लो, ये घेर है। और ये कलर मेरी बहन के पास था भी नहीं, तो वो थोड़े ना चटक मटक है, उसको उनको थोड़ा चटक मटक पहनना बहुत पसंद है, तो इसके लिए मैंने उनके लिए ये ले ली। तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में
जो भी मुझे देख रहे होंगे कि ये ड्रेस कैसा लगा। और फिर जब मैंने उसको लिया तो फिर मेरी भाभी भी बोले कि नहीं मुझे भी ना मतलब उन वो जहाँ रहते गवंडी में उन्होंने वहाँ चेक किए एक ड्रेस था जो सेम यही कलर था बॉटल ग्रीन। एक्चुअली हमारे घर में ये कलर था ना सबको पसंद आता है, हर किसी को ये कलर पसंद आता है, पता नहीं क्यों ऐसा है। और मैंने लिया है कपड़ा तो सबको पसंद आना ही आना है ऐसा है। तो चलो ये तो आपा का हो गया। तो अभी मैं उनके लिए ले रही थी तो बोली मैंने भी पसंद की मगर वो इतना महंगा बोला 1600-1500 रुपया बोला। तो मैं बोली ठीक है वैसा तो नहीं मिलेगा बट उस कलर में अगर कुछ मिला तो मैं ज़रूर लूँगी। तो मुझे ये भी मिल गया। तो ये आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर है और कितना अच्छा लग रहा है ना। ये मेरी जो भाभी है ना ये उनके लिए, तो ये मुझे 650 में पड़ा, दुपट्टा विद शलवार और अस्तर के साथ में। ये आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा लग रहा है कलर। एक्चुअली मुझे ये कलर बहुत पसंद आया और ये अनम ने पसंद किए। मेरे पास ये कलर है, अगर मेरे पास ये कलर नहीं होता ना तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर ये कलर ले लेती है और मैंने ली नहीं। और एक्चुअली हस्बैंड ने बोले कि जो जिए वो लो, तुम्हारी चीज तुम्हारा ही है सब कुछ, तुमको जो मन था वो लो। तो लेकिन है अभी तो फिलहाल ड्रेस, इसके लिए मैंने नहीं लिया कुछ भी। बट ये ड्रेस मुझे इतना पसंद आया ना, अगर वो पहनेगी मेरी भाभी तो बहुत अच्छा लगेगा। देखना आप लोग ज़रूर बताना ये ड्रेस भी कैसा लगा आपको। और ये है उसका दुपट्टा, दुपट्टा माशाल्लाह। हम तो देखते साथ ही बोल रही थी मम्मी दुपट्टा कितना प्यारा है, देख लीजिए आप दुपट्टा। ये मुझे 650 में मिला। हाँ कितना अच्छा है ना, मगर ना गर्दी बहुत थी, मैं आप लोगों को बताने जा रही थी लेकिन इतनी गर्दी थी कि मैं खड़े भी नहीं रह सकती थी। और मैंने कैसे कैसे करके ये ड्रेस लिया और डरता कोई फ़ोन ना ले ले। हाँ और डरता कि कोई फ़ोन खींच के ना भागे, क्योंकि गर्दी में ना फ़ोन पर्स वगैरह खींच के भाग लेते, तो मैं डर के मारे मैंने शूट भी नहीं की। और ये अस्तर दिया इसमें बटर क्रैप का, तो ये इसमें अस्तर जाएगा। अगर उनको चाहिए तो एक्स्ट्रा प्लाजो या कुछ भी ऐसा लेके सिला सकते हैं अपने लिए। तो ये मेरी भाभी को मैंने दिया है। मैं हर साल अपनी दोनों बहन और अपनी भाभी को देती हूँ, तो मैंने सोचा चलो इस हिसाब से ले लेती हूँ और भी दे भी देती हूँ उनको। एक्चुअली ईदी वगैरह सब हमने दे दिए उन लोगों को, बट लेकिन ये मेरी तरफ से होता है जो मैं उनको देती हूँ। छोटी बहन को तो दिला दी मैंने ईद से पहले ही, उसके तो सारे हो चुके कपड़े, वो अपने कॉटन के कपड़ों में बहुत खुश है, इतनी खुश रहती है वो कि बस कॉटन के कपड़े मिल गए ना बस हो गया उसको। तो ये उसको मैंने, ये मेरी भाभी के लिए ली हम लोग ने। और एक ड्रेस था रेडीमेड जो हम लोगों को बहुत पसंद आया था, तो मैंने ना अनम के लिए ली वो ड्रेस। अनम को मैंने कहा कि अनम तुम ये ले लो ड्रेस, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही प्यारा सा है। ये देखो ये फ्रॉक है, ये फ्रॉक है और ये उसके नीचे ये दो पैचे का गरारा है। ये देखो ये आप देख सकते हो। और ये उसका दुपट्टा है, दुपट्टे में चारों तरफ चला नहीं है बट अनम ये दुपट्टा भी ले सकती है ना, अगर इसमें हम लोग लेस लगा देंगे चारों तरफ है ना। तो कैसा लगा ये अनम का भी ड्रेस? ऐसे ही ले लिया अनम ने कि चलो ले लेते कभी पहनने काम आ जाएगा। एक्चुअली अनम ज़्यादा कपड़े लेती नहीं, वो जीन्स वगैरह ये सब पहनती है, तो मैं उसको कोशिश करती हूँ जहाँ तक ऐसे कुछ कपड़े मिले तो मैं ले लूँ, क्योंकि मुझे ऐसे कॉटन के कपड़े बहुत पसंद आते हैं। बट मेरी साइज़ नहीं मिली मुझे, अगर मेरी साइज़ मिलती ना तो मैं ज़रूर ली होती। तो हम लोगों ने बस यही लेकर आ गए आज। और कैसा लगा आप लोगों को मेरा जो मैंने ड्रेस लाई हूँ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और ये ड्रेस अनम का जो मैंने लाई हूँ ये हम लोगों को 850 में पड़ा, ये 850 का पड़ा हम लोग को ड्रेस। तो कॉटन के कपड़ा लो और सिलाई करो तो वही हो जाता है ना। तो मैंने अनम को कहा ये देखो लेस वीस भी लगी हुई है, ये सब लेस वीस लगाने जाओ तो वही पैसा पड़ जाता है, तो इसके लिए हम लोग ने अनम ने एक ये ले ली। तो कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को? उम्मीद करती हूँ अच्छा ही लगा होगा। तो आगे अभी रमज़ान के बाद कुछ अच्छा ही होने वाला है, मैं आप लोगों को और इंटरटेन करूँगी अनम के साथ, बड़ी बहन के साथ, छोटी बहन के साथ।
और बहुत सारे कुछ आने वाले हैं मेरे चैनल पे। आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और अपना बहुत सारा ख्याल रखो। उम्मीद करती हूँ आपके रमज़ान अच्छे से गुजरे और अल्लाह की रहमत और करम से। बस ये रमज़ान का 15 दिन चला गया, आगे भी हमारे 15 दिन अच्छे से चले जाए, दुआ करना सब लोग। मैं भी दुआ करूँगी और दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।